नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलेंद्र परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। मरम्मत हमेशा सुर्खियों में रहता है क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमेशा देखने को हमें मिलता है कि करप्शंस देखने को मिलते हैं, कि ग्राउंड में काम ही नहीं होता और पैसा निकाल दिया जाता। बहुत सारी ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं द लोकल रिपोर्ट ने मरम्मत के ग्राउंड पे जाके जो है की है, और अभी जो है मरम्मत के भियोता से कुछ लोग हमारे पास आए हुए हैं और मीडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्यों ये मीडिया के पास आए हैं, आखिरकार क्या कुछ इनके मसले हैं, क्या कुछ इश्यूज हैं जो आज हमारे साथ में है। यहाँ पे सदायक अदायतुल्ला हमारे साथ में हैं, ये पहले भी जो है मरम्मत भियोता से बोलते रहते हैं, लेकिन आज इनसे पूछेंगे कि आज क्या इशू, सर आज क्या इशू जो है आपका और आप मीडिया के सामने आए। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारा इंटरव्यू कई दफ़ा हमने दिया भी है पहले, तो आज भी मैं यहाँ पे किसी कारण की वजह से यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे तकरीबन 80 से 100 लोग आए हुए हैं और वो डीसी साहब के पास भी गए, एसीडी साहब के पास भी गए। तो यहाँ पे खमखा जो नरेगा है ये एक हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो भी हुआ है तो इन्होंने आज तक क्या किया कि घरों में ही जो भी मेंबर वगैरह है उन्होंने, खास करके मैं लोअर भियोता की बात करता हूँ, लोअर भियोता में नायब सरपंच जब से बना है सईद हुसैन, तो उन्होंने 26 लाख पेमेंट की जिस दिन उसकी डीएससी बनी, तो उन्होंने फेक कामों के बिलिंग की और पेमेंट की। तो जब हमने बंजर एक जो उसका वार्ड है, वार्ड नंबर 4 लोअर भियोता का, तो वहाँ पर एक तालाब है, इस तरीके से फेंक की गई, हाँ बताएं, क्योंकि ग्राउंड पर काम ही नहीं हुआ है, बंजर तालाब का काम ही नहीं हुआ है और उसकी इनवाइस डाली गई, काम नहीं हुआ। नहीं सर, जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं है ग्राउंड पे सर। कितने का काम थी? वो 1.5 लाख का था सर। तो मैं उसके बाद देखता हूँ सर, आज जब मैं परसों 20 तारीख को फिर से एक ग्राम सभा वहाँ पर होती है और जो आवास योजना है, तो वहाँ पे जो ही केसों की बारी आई कि ये बेचारे गरीबों के लिए, और मोदी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भलाई के, जिन्होंने गरीबों के लिए ये मकान इशू किए हैं, लेकिन गरीबों को नहीं मिलते हैं, ये अमीरों को मिलते हैं जिनको 3-3 छाते हैं, 2-2 छाते हैं और जिनको टीन लगी हुई है। जब मैंने ये देखा वहाँ पे, एक मैंने पलान पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि मेम्बरों ने कहा कि हमने अपनी मर्ज़ी से ये देने हैं, जो हमें अपनी मर्ज़ी आएगी हम अपनी मर्ज़ी से देंगे। तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हमारे साथ में है, रोशन दीन भट्ट साहब, इनकी उम्र तकरीबन 82-83 साल है, तो इनको कोई है नहीं कमाने वाला, एक सीधा साधा लड़का है, लड़कियां 6 थी, इन्होंने वो शादी करके दे दी हैं, ये 2 ही बूढ़े हैं, तो इनके लिए कई लोगों ने झगड़ा किया इनको कहीं प्राइड बेस पे रखो, लेकिन इनको प्राइड बेस पे नहीं रखा भाई, मकान के लिए। जी सर, जी सर। तो इनको तो सर मैं अभी दिखाता हूँ, जो वहाँ पे जेआरएस आया था, जेआरएस का होता ही नहीं है वहाँ पे ग्राम सभा में कुछ भी। जब हम एसीडी साहब के पास आए तो उन्होंने बोला ये ग्राम सभा में ये नहीं होता है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो ये रोशन दीन सनाफ अब्दुल्ला बट ये 78 नंबर पे हैं सर, इनका नंबर कब चढ़ेगा कब नहीं चढ़ेगा, लेकिन जो बैठे हैं, जो अच्छी तरह से जो घरों में बैठे हैं, जिनको बैठने के लिए है, जो एक 2 साल 4 साल 10 साल काट सकते हैं उन घरों में, तो उनका जो है प्राइड बेस पे रखा उन्होंने एक, तो जो सईद हुसैन, अफसोस मुझे होता है अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो अफसोस मुझे इसी चीज़ का होता है कि पहले भी मैंने कई दफ़ा ऐसी बातें की तो कहते हैं कि यहाँ पार्टीबाजी, लेकिन मेरे पास कोई पार्टीबाजी नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं किसी पार्टी से इस वक्त नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, कि उन्होंने 3 लड़के अपने इस IAY केसों में 3 लड़के रखे हैं, सबसे पहले मुख्तियार अहमद, उसके बाद रखा है मोहम्मद, अपने रिलेटिव हैं, रिलेटिव नहीं बच्चे उसके, लड़के नायब सरपंच जो है सईद हुसैन उसके लड़के हैं, एक मुख्तियार अहमद, मोहम्मद सदीक, फारूक अहमद, भाई उसका राज मोहम्मद, दूसरा भाई का लड़का है मोहम्मद यूसुफ, भाई का लड़का मोहम्मद यूसुफ। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि आखिरकार ये कौन सा इंसाफ है वहाँ लवर भी होता है मैं, कि एक ही घर के अगर ये इतने केस रखेंगे तो बाकी पब्लिक के साथ क्या हाल होगा। लेकिन उसके बाद ही जो ही हम इधर आए तो इन्होंने बोला कि हम दोबारा से वहाँ ग्राम सभा कराएंगे। फिर मैं देखता हूँ नरेगा काम, अफसोस उसी बंजर से वो एक बिली फेंक और जो ग्राउंड पर काम ही नहीं हुआ वो निकालते हैं, वो पैसे रिलीज हो चुके हैं 26 लाख जो उन्होंने अपने DSC से
दे दिए हैं लोगों को, कार्डों में डाल दिए हैं, लेकिन उसी दौरान में अभी मैं देखता हूँ वहाँ पे जो भी मैंने वहाँ पे ग्राम सभा में बात की, थोड़ी सी मैंने भी वहाँ जाके ग्राम सभा में बात की कि आप मुझे दिखाइए ये नरेगा का जो प्लान है 2021-22 का, तो ये दिखाइए थोड़ा ग्राम सभा में कल हुई, नहीं 20 तारीख को हुई सर, शुक्रवार को। लेकिन वहाँ पे मैं देखता हूँ हार्वेस्ट टैंक एट अपर सेंखनी, एक घर हार्वेस्टिंग टैंक जो बना जी सर एक घर के लिए। उसके बाद मैं देखता हूँ लैंड डेवलपमेंट अपर सेंखनी, उसी नायब सरपंच के घर को ही अपर सेंखनी कहा जाता है, लोअर सेंखनी में घर हैं वहाँ नहीं है, बंजर में घर हैं वहाँ नहीं है, बाकी जो घर हैं गली में घर हैं वहाँ नहीं है, बटकुंड एक जहाँ पे जॉब कार्ड इस वक्त भी हमारे 15 जॉब कार्ड हैं एक ही मोहल्ले के, वहाँ एक काम भी नहीं। उसके बाद मैं देखता हूँ वहाँ पे जो हमारा दूसरा मेंबर जो वार्ड नंबर 7 का है, उसने भी अपने घर के लिए ग्वारेकुट में काम रखा, पिछले साल भी कंटिन्यू काम करता रहता है। तो उससे मैंने सवाल किया ये क्यों, कहता आपको बाद में मिलेगा, सेकंड फेज में आपको मिलेगा, फर्स्ट जो है हमारा हक बनता है मेंबर और सरपंचों का, तो जो सेकंड फेज आएगा वो आम पब्लिक के लिए है, जो फर्स्ट फेज है वो ऐसे उन्होंने कहा। जी सर और मुझसे बहस हुई वहाँ पे ग्राम सभा में, बहस हुई वहाँ पे, ये लोग भी थे वहाँ पे, तगड़ी बहस हुई मेरी उनके साथ। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर यहाँ पे हम भी हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमें क्यों नहीं काम वहाँ पे मिलते हैं, और वहाँ जो बेचारे गरीब हैं उनको काम क्यों नहीं मिलता है। और नहीं आपके वहाँ से DDC है मुश्ताक साहब जी सर, तो उनसे आपने नहीं पूछा वो क्या कर रहे हैं? सर जो ही मैंने DDC को उसी टाइम फ़ोन लगाया, मैंने कहा आपने भी प्लान देखना होता है, चाहे PMAY हो, चाहे आपने ये नरेगा का काम हो, 14FC का काम हो, कोई भी काम हो तो आपने भी देखना है उसमें, उसके बाद आपने दस्तखत करने हैं, चाहे BDC है चाहे DDC है, इन लोगों ने काम वहाँ पे देखने होते हैं। लेकिन वो कहते हैं मुझे देखे बगैर ही BDO साहब ने ये पूरे सैंक्शन कर दिए हैं, जो नरेगा के काम वो पूरे सैंक्शन कर दिए हैं और वो किसी को नहीं देखते। ऐसा क्योंकि DDC को पता नहीं है और BDO जो है सारे काम निकाल रहे हो सर, बाकी सरपंचेज वगैरह भी अफसरशाही यहाँ पे और कुछ नहीं है सर, अफसरशाही है जो भी यहाँ पे है वो, अगर यहाँ पे GRS है ना हमारे मरम्मत ब्लॉक में GRS है, वो कहता है मैं BDO से ज़्यादा पावर रखता हूँ, और BDO की तो फिर वो तो कहता है कि मैं सेक्रेटरीट का ही ऑफिसर हूँ, तो ये नहीं सोचते हैं कि ये हम पब्लिक के लिए उनको वहाँ पे रखा गया है, पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि अफसरशाही है, कुर्सी पे जो भी बैठ गए कहते हैं कि हम ही अफसर है। और मैं यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, भले ही मैं कैमरामैन से एक फ़ोटो दिखाऊंगा कि यहाँ पे उन्होंने परसों जो इजलास किया वहाँ पे एक ऐसा इजलास किया कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि ऐसा मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे देखा कि इजलास वहाँ पे होता है, नायब सरपंच जो है ये यहाँ पे बैठे रहते हैं, इनके साथ में जो ये बंदे हैं ये ऐसा काम करते हैं कि यहाँ GRS है, जो इसहाक साहब हमारे GRS हैं, इसके साथ कोई बंदा है मुझे मालूम नहीं है, ये भी कहते हैं GRS है, लेकिन VLWO का वहाँ पे आना ज़रूरी था, जो ACD साहब का है, BDO साहब का है, और ADDC साहब के पास गए, इनका कहना था कि वहाँ पे VLWO ने खुद आना था ग्राम सभा करने के लिए, जो कि भद्रवाह से इस वक्त हैं, वहाँ पे पोस्टिंग उनकी है, लेकिन वो नहीं आए हैं, और उनका तोशीद नाम है उनका, लेकिन मैंने अभी आंखों से देखा नहीं है उनको। वैसे ही सर लोग अभी होता ग्राम सभा हुई तो ग्राम सभा इसीलिए होती है कि कोई भी जो काम हो उसको सब डिस्कस करें, उसको जब सभी सारे लोग जो हैं वहाँ पे हो और वो क्वेश्चन करें कि कहाँ पर बनना चाहिए कैसे बनना चाहिए, इसीलिए ग्राम सभा होती है। और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कैसे, जैसे आप कह रहे हैं कि चाचा जी के घर पे 2 ही हैं, तो देखा जाता है कि सभी, क्योंकि पूरे गाँव वाले लोग होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी अपने गाँव के होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं, वो देखते हैं और वो पूरे गाँव में से निकालते हैं कि ये डिज़र्विंग है, सबसे पहले इनको देना चाहिए। तो मैं वैसे ही वही वहाँ पर क्या सिर्फ बुलाया जाता है, सुना नहीं जाता सर, जब पब्लिक को बुलाते हैं तो वहाँ पे जो GRS चाहे आए, चाहे VLWO आए, चाहे कोई भी आए, वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं, वो कहते हैं कि हमने 10 का जो लेने हैं हमने लेने हैं इस पेंचों से, जो PRI मेंबर हैं उनसे हमने 10 का लेने हैं, आप लोगों का काम कोई नहीं है, आप पेंच भी तभी देंगे ना जब आवाम उनके साथ होगी। नहीं सर आवाम चाहेगी तभी करेगा। सर मैं एक आपको दिखाता हूँ, एक बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ बहुत सी, एक मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि यहाँ पे आइए सर, के कितना घोटाला होता है सर, हम लोगों के साथ कितना घोटाला होता है, जिन्होंने ये लिखा ही नहीं है सर, एक मिनट सर मैं दिखाता हूँ आपको कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है सर। यहाँ पे जो ही सरपंच साहब की मोहर लगती है, जो नायब सरपंच है उसकी मोहर जब लगती है सर, ये देखिए ये वार्ड मेंबरों के हैं सर, ये देखिए सर इसके साथ कोई पब्लिक नहीं है, यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है, पब्लिक का पहले दस्तखत ले लेते हैं, ये पब्लिक के है, और जो ये नायब सरपंच है मैं यहाँ से दिखाता हूँ सर, इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये सईद हुसैन नायब सरपंच पंचायत लवर भी होता, और इसका कुछ ही नहीं लिखते हैं, ना लिखते हैं वार्ड मेंबर, ना लिखते हैं नायब सरपंच, ना लिखते हैं कुछ, ये देखिए उन्होंने कार्रवाई लिखनी है ये बाद में चोरी से जाके, और फिर उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्लोज करना है बाद में,
ये इनका सर फैक्ट साइन ले लेते और बाद में प्लान जी सर ये देखिए सर यहाँ पे पेपर को मैंने आपको दिखाया कि लोगों के पब्लिक से जो लिए पहले साइन ले लिए उसके बाद जो मेंबर वगैरह हजरात हैं इनके साइन लिए और मैं ये कहता हूँ कि आपने भी अपनी आंखों से देखा कि नायब सरपंच की कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे और ना नाम लिखा है ये कौन है क्या है तो अफसोस से मैं ये कहता हूँ कि ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन को इतना नहीं है कि एक GRS नहीं वहाँ पे मानता है पब्लिक की तो क्या करेंगे हम 900 वोटर हैं वहाँ पे 900 वोटर में से अगर 50 बंदे आएंगे वो कहेंगे अपनी जैसी तो बाकी कहाँ 850 वोटर कहाँ जाएंगे सर। आप GRS के बारे में बोल रहे हैं नायब सरपंच के बारे में बोल रहे हैं VLW बोल रहे हैं तो ये सारे जो हैं आपको क्या लगता है सारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सारे मिले हुए क्या सर जो अभी अभी मैं यहाँ लोअर बेहोता से थोड़ा हट के लोगा भी होता की बात करता हूँ जो अभी अभी एडीजी साहब के पास एक एप्लीकेशन गई कि नायब सरपंच के नाम पे सर वेंडर जो पैसा आता है वो नायब सरपंच के अकाउंट में डाला गया है 69,000 यानी 69,000 रुपये उसके अकाउंट में डाला गया है और वो ब्लॉक वालों को वापस मिला है सर। तो वो उसने वहाँ पे दिया कि हाँ सर मेरे अकाउंट में डाला है नायब सरपंच के अकाउंट में डाला है लोगा भी होता के और मैंने ब्लॉक वालों को वापस दिया है। अफसोस से वो पैसा होता है आम पब्लिक का और गरीब का जिसका कार्ड लगा होता है जिसने वो काम किया होता है लेकिन वो उसने बोला वहाँ सामने ADC साहब के सामने बोला कि ये मैंने ब्लॉक वालों को वापस दिया। तो वहाँ पर भी एक जो वहाँ का VLW है वो परसों आया वहाँ पे वो भाग के चला गया और उसने पूरी पब्लिक को वहाँ छोड़ के कहता है मुझे उसने SMS किए लोगों के नंबरों पे कि मैं वो शख्स हूँ मैं काटता हूँ नितिन उसका नाम है कि मुझे कोई नहीं पूछता है मेरा काम है मैं काटता हूँ और बनाता हूँ चाहे आप हज़ारों रेजोल्यूशन मेरे खिलाफ दो। इस वक्त उनका भी डेपुटेशन एक बाहर है तो मुझे अफसोस है कि कितने लोग जो है लोअर व्योता से आए थे और यहाँ पर जो है डी साहब के पास गए और डी साहब से आपने क्या कुछ कहा और डी साहब ने क्या कुछ कहा। तकरीबन हम 80 से 100 आदमी थे दो पंचायतों के लोगा भी होता और लवर भी होता कि हम तो और DDC मुश्ताक साहब हमारे साथ में थे। पहले हम SCD साहब के पास गए फिर हम ADDC साहब के पास गए उन्होंने ये बोला कि पूरे जो ग्राम सभा होगी BDO साहब वहाँ पे आएंगे और जो कि VLW का जिम्मेदारी बनती है वो वहाँ पे आके तो दोबारा से ग्राम सभा होगी और दोबारा से ये जो PMAY जो आवाज़ योजना के तहत है ये भी और जो नरेगा का है उसमें ख़ास करके उन्होंने इंक्वायरी लिखी अभी लेटर लिखा है ADDC साहब ने लेटर निकाला है ACD के लिए और ACD साहब ने कहा कि BDO के लिए मैं लेटर निकालता हूँ इंक्वायरी पे वहाँ भेजता हूँ कि जो ग्राउंड पे काम नहीं हुए 5 से 6 काम ग्राउंड पे नहीं हुए जिनकी बिलिंग हुई है सर। तो अफसोस है हमें कि उनके बिलिंग कैसे हुई है और उसके नाम पे DSC कैसे बनी हुई है कि जो हैक बिलिंग करता है सर। तो हम यही आपसे भी कहते हैं कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जो जनवन जो हक है उनको मिलना चाहिए ना कि एक नायब सरपंच के अकाउंट में पैसा जाए जो नायब सरपंच लोगा भी होता का है जिन्होंने अपना खुद ही प्रूफ दिया कि मेरे अकाउंट में आया है उसी हिसाब से जो ये नायब सरपंच है। तो ये भी इस वक्त ये ऐसा है कि वो सिर्फ एक ही कमीशन के पीछे पड़े हैं कि मुझे कमीशन कितना मिलेगा इसीलिए उनका जो कज़न यहाँ पे भाई है इनका भी केस तकरीबन कितने 87 नंबर इनका कज़न ब्रदर है अब्दुल कयूम जी। नमस्कार जनाब मैं अब्दुल कयूम मीर मरमत बिहोतला और बिहोता से रहने वाला हूँ। ये 20 तारीख की बात है ग्राम सभा हुई जिसका मेरे पास ये प्रूफ भी है कि कैसे वहाँ लोग चला रहे थे ये देखें और भी मेरे पास प्रूफ है कि लोगों पर कैसे जुल्म हो रहा है और जो JRS है उसकी कोई भी औकात वहाँ नहीं। वहाँ एक सेक्रेटरी जैसे ACD ने इस वक्त बोला एडिशनल DC साहब ने बोला कि एक सेक्रेटरी JRS नहीं कर सकता है वहाँ ग्राम सभा वहाँ कर सकता सेक्रेटरी मगर वहाँ सेक्रेटरी बैठा था। मैंने ACD साहब से भी बोला JRS बैठा था ACD साहब से बोला मैंने कि वो अपनी पोस्ट समता जैसे कि वीडियो यहाँ बैठा हूँ अपना बंदा साथ में रखा था ये और भी मेरे पास प्रूफ हैं ये देखना निकालना इधर से निकालना। और तो वहाँ जब ग्राम सभा बैठी तो ये ग्राम सभा जैसे कि हमें गाइडलाइन है कि लोगों की होती है और वहाँ तमाम वार्ड मेंबर बैठे जब ये लोग चलाए जो आपको थोड़ा मैंने प्रूफ दिया तो इनको बोला तुम बाहर निकलो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है ये हमें अथोराइज है पावर है जो हमें मर्जी वो हम करेंगे। ये जो हमारा हमसाई भी है वार्ड नंबर 4 से सईद हुसैन हमारा मतलब भाई भी है पड़ोसी भी है मरना जीना एक है हमारा अफसोस है मेंबर बनाया मेहनत तो मजदूरी से हमने मेंबर को बनाया है ये देखना और प्रूफ भी इसमें वही लोगों को जो धक्के मारे हैं वहाँ कौन मार रहा है इसमें धक्का दिखाना जरा कौन धक्का मार रहा है निकालो और निकाल कैमरे से निकलती है यहाँ पे जो कहते हैं कि आप चले जाओ बाहर धक्के मारे जाते हैं
किसने धक्का मारा, कहाँ पे धक्का, ये कौन धक्का? यही इसके बंदे जो है, इसके मतलब जो पड़ोसी हैं, ये धक्काबाजी करते हैं, लोगों को क्रश करके बाहर निकालते हैं। बाद में ये जीआरएस ये क्या बोलता है कि लिखा यहाँ नाम, एक कोरे कागज़ पे लिख रहा है नाम, और लोगों को मोटिवेट किया। बाद में मेरा नंबर वहाँ, मेरे दो लड़के हैं वो अलग से हैं, मुझे दो लड़कियाँ हैं, मेरी घरवाली की डेथ हुई है, 12 साल हो गए, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चियों को पालता हूँ, बेटे दो अलग हैं, उनका अपना परिवार है, और मेरा तो सब बात कर रहे हैं, इसमें धक्के कहाँ मार रहे हैं? नहीं नहीं धक्का मुक्की हो रही है, इसको बोला मेरी वीडियो निकाल, धक्का मुक्की नहीं दिख रही। तो मेरा वहाँ नाम वो रखता है शो करने के लिए अब्दुल कयूम मीर को कि मैं तुझे 5वें नंबर पे केस दिलाऊंगा। जो पशुओं का एक कमरा होता है, मेरी दो बेटियां और मैं उसमें बसनीक हैं, घरवाली की डेथ हो चुकी है, बेटे बॉम्बे, परिवार अलग से हैं। अब बेटों से मैं झगड़ा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनको अपना परिवार है, मैं झगड़ा बना के उनके साथ रहूँ अलग सा। और मेरा नंबर 75 पे लगाया है और मुझसे बोलते हैं 10,000 रुपये अगर तू देगा तो तेरा नंबर आगे हम चढ़ाएंगे। किसने बोला ये? बोला वहाँ का जो वक्ती नायब सरपंच वहाँ है, 10,000 रुपये मांगा। फिर एक काम हमें था PMAY से 50,000 रुपये, एक मतलब ज़िम्मेदारी एक कुहल रखी थी उसमें 50,000 रुपये, नरेगा भी रखा था। जब हम वहाँ वो शीट निकलते ऑनलाइन करने के लिए और उन पे हमें स्टैंप उसने नहीं दी, 5,000 रुपये उनसे भी मांगने लगा। और हो हमारी हमने दिया नहीं दिया, मैंने अंदर वैसे ही शीट रखे हैं, मैंने 5,000 कहाँ से मैं देता? अगर 5,000 देने के काबिल में होता था तो मैं नरेगा काम करने वाला नहीं रहता था, फिर मैं मुलाजमी होता था, मगर मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मेरी 54 साल इस वक्त उम्र है। उसने जितने भी काम उस 4 नंबर वार्ड में आए तो सईद हुसैन ने चारों तरफ अपने मकान के चेक करने के लिए टीम वहाँ है, अगर झूठ निकलेगा हम सज़ा खाएंगे। नरेगा का एक पक्का पाथ आया था, वो बनाना था एक गाइडलाइन के मुताबिक रास्ता लोकलिटी के लिए बनाना था, उसने चारों तरफ मकान को वो सीमेंट पूरा किया, उसकी मेजरमेंट करके उसकी पेमेंट निकाली। आगे जो 20 और 21 के काम और आए थे वो भी वहीं अपने लड़कों को अपने भाइयों को रख रहा है और अपने हकीकी तीन तो भाई हो, मैं तो भाई हूँ मर, मुझे चचेरा भाई हूँ मैं उसका, मर मुझे दुश्मन की नज़र से देख रहा क्योंकि मुझसे कमीशन उसको नहीं मिल रहा है। उसके आगे बात तो उसके अपने भाई कमीशन दे रहे हैं उसको, उसको हकीक वो तो देते ही हैं उसको कमीशन, उसके तभी शायद उनको मिल रहा है। उसके बेटे के मतलब कार्ड लगा रहे हैं, मतलब भाई के उनको तो हाफ करते हैं, अगर उसके अकाउंट में 10,000 रुपये डाला, 5,000 उसको देना, 5,000 अगर किसी को फ्री घर में बैठ के मिले उसको कार्ड देने में क्या दिक्कत है? हम तो नहीं देंगे फ्री, हमने मजदूरी करनी है फिर अपनी मजदूरी लेनी है। जो काम 19 और 20, 21 के आए वो तमाम दोबारा प्लान में भी उसने अपने भाइयों को रखे हैं। जो ये PMAY केस हैं उसने 3 लड़कों को रखे हैं, सदीक अहमद, फारूक अहमद, तो मुख्तियार अहमद, 3 भाई, चौथे नंबर जिनको बिल्डिंगें बनी हैं, टाइलें अंदर लगी हैं, चेक किया जाए उनके घर में आके। राज महमूद उसका भाई कि जो विंडर भी है, राज महमूद का लड़का, जितना कमीशन ब्लाक के तौर तो वो सब उसके विंडर के अकाउंट में जाता, उधर से भी खाता है। और उसका राज महमूद का भी केस रखा है, सईद हुसैन का भी, वो क्या बोलते हैं, सलामतुल्लाह के लड़के का केस रखा है, जो कि पिछले 2 साल उसको PMAY केस मिला था, और दूसरा फिर इस साल उसी का रखा। आइए भाई आइए, हमने देखा कि एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाते रहते हैं लोग जी, लेकिन उसके पास सबूत नहीं होता लोगों के पास जी, क्योंकि कानून भी सबूत मांगता है और मीडिया में भी सबूत चलता है। आप एलिगेशंस लगा सकते हो, ये आपका हक है, उनकी भी बात सुनी जाएगी जी, क्या सही है क्या गलत, लेकिन सही मायने में सबूत जो है काम आता है, एलिगेशन जब आप किसी के ऊपर लगाते हो। चाचा जी भी यहाँ से इनसे पूछेंगे, आप मुझे बताइए कितने घर में कितने लोग हैं? जो एक बच्चा है वो सीधा साधा है, मेरी उम्र इस वक्त 74 साल है, मेरा केस पिछले साल से मुझे मकान नहीं है, मैंने सब डिपार्टमेंट से अपील की कि मुझे मकान दो, मुश्ताक ने कहा कि भाई आप रख देंगे आपके लिए मकान। जब मैंने वो लिस्ट देखी तो मुझे एक औरत है, बूढ़ी है औरत भी, मैं खुद भी हूँ, बच्चा सीधा है, उसके वो कुछ काम करने के काबिल नहीं है, उन्होंने मेरा जो नंबर रखा है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए, उन्होंने रखा है मेरा 81 नंबर, 78 नंबर, वो कब आएगा 78 नंबर, तब तक मैं मार भी जाऊँगा। तो बाकी जो लोग हैं, जैसे बाकी जिनको पहले दिया जा रहा है, आहो वो उनको सही घर है, उनके पास घर है? हाँ, ये देख ले, जो गवर्नमेंट यहाँ से भेजती है इन मुलाजमों को, वो देख लें कि उनके घरों में टाइलें लगी हैं, टीन लगे हैं, सीमेंट करके मकान है, उनके लिए अगर
उनके लिए अगर मकान तो हमारे जैसे गरीब के लिए क्यों नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं आप, चाचा जी भी यही बोल रहे हैं कि अगर उन टाइल वाले लोगों के लिए घर है तो हमारे लिए क्यों नहीं, क्योंकि पीएमएवाई आप जानते हैं कि पीएमएवाई जो है आवास योजना जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनके पास घर नहीं है, जो होमलेस है उन्हीं के लिए है, जिनको जो है घर बनाया जाएगा जो भी पैसा उसमें मिलता है। और आपने देखा है कि धांधलिया जो है कमीशन जो है हमेशा मांगा जाता है और हर पंचायत से आवाज़ जो है, और कहीं ना कहीं ऑडियो जो एक बातचीत की ऑडियो निकली थी आपने देखा था करप्शन के ऊपर की ऑडियो एक वायरल हुई थी जिसमें साफ तौर पे जो है दो लोग बात कर रहे थे और करप्शन की बात कर रहे थे कि एडीसी साहब तक डीसी साहब तक जाती है वो पूरा, वो भी मरम्मत एक के एरिया से ही वायरल हुआ था, वो सोर्सेस के तौर पे हमारे को पता है कि वो मरम्मत एरिया से ही वायरल हुआ था। जी 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 जी, उसी हिसाब से हमारी पंचायत में भी है कि हमारे जो मेंबर हजरात हैं तो वो भी यही करना चाहते हैं कि जो कमीशन देगा उसी का नाम आगे देंगे। मैंने वही पहले ही आपको बोला कि उन्होंने माना होगा जो नरेगा काम रखते हैं उनके लिए रखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कमीशन पहले ही एडवांस में दिया होगा इसलिए उनके काम रखे गए हैं, नहीं तो उन्हीं लोगों को हर साल काम क्यों मिलते हैं वहाँ पर। अफसोस से वही कहता हूँ कि उन्होंने तो वही काम रखने हैं और उनका काम ही वही है कि वो काम रखने हैं और कमीशन मिलता है उनको, लेकिन हमारे पास इतना प्रूफ नहीं है। जिन्होंने पहले भी प्रूफ है बाकी पंचायत उसे हम भी देंगे प्रूफ, ये मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने अपर सैंकनी में ही ये कर। आप हमें ग्राउंड लेवल पे लेके चलिए, ग्राउंड लेवल पे हम भी देखेंगे कि आखिरकार वो काम हुए कि नहीं हुए, जब कैमरा में खुद ही काम जाएंगे। जी बताएं, क्या बताएं सर, जो मैं पहले बात आपसे करता था जो नायब सरपंच ये सईद हुसैन है बंजर का चार नंबर वार्ड का, जो वहाँ तालाब आया था 1.5 लाख का, उसकी 1,20,000 पेमेंट हो चुकी है। ये आज सुबह मैंने उसका फोटो उठाया कि जहाँ की कोई एक मजदूर भी नहीं गया, उसमें घास लगा हुआ है, क्या ये तालाब है? उसने 6 कामों की पेमेंट की है, ये देखना, ये तालाब का फोटो हम सुबह आज सुबह उठाया है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बस है ही नहीं, जीरो। तो इसकी पेमेंट 1,30,000 इसकी पेमेंट हो चुकी है, तो इसमें से कमीशन ये खाता। इसके अलावा जो मैं ये मकानों के केस आपको बोल रहा था कि 5 इसने घर के ही रखे और पड़ोसी इसने एक घर के ही 4 रखे, जिनको टीन लगी है, टाइलें लगी हैं, बिल्कुल कंप्लीट मकान है, मगर गरीबों को धकेला जाता, उनसे कमीशन नहीं मिलता है और उनके केस काटा जाते हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत मुश्किल से गाड़ी करके। क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और क्या कुछ आपको लगता है कि बदलाव होगा? हमें उम्मीद है कि जिस उम्मीद से हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए हैं, हमने अपील उनके पास की कि उन्होंने बोला इसकी इनकारी हम दोबारा से करेंगे, ग्राम सभा दोबारा से बिठाएंगे, जो गरीबों का हक है वो गरीबों तक हम पहुंचाएंगे, ये गुंडागर्दी को हम मिटा देंगे, गुंडागर्दी हम चलाएंगे, अविश्वास से हम तसल्ली से चलें कि आगे क्या करेंगे, ये क्या होगा आगे। अब क्या कहेंगे? तो मैं इसमें यही कहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें विश्वास दिया, और मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने काम किए हैं और उन्होंने इंक्वायरी बुलाई है ग्राउंड पे, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा और उस टाइम मैं आपको फोनिकली बुलाऊंगा और आपने भी वहाँ पे आना है और वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन आपने देखनी है कि इन्होंने किस हिसाब से बिलिंग हुई है और इन्होंने कितने काम किए हैं वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने पहले भी वहाँ पे ऐसे ही फेक बिल जो निकले हैं। तो मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ, आप भी आना, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा यही गुजारिश है कि वहाँ पे आके तो इंक्वायरी पे सही से इंक्वायरी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए वहाँ पे। हम ये कभी एलिगेशन नहीं लगाते हैं, हम जो कहेंगे प्रूफ से कहेंगे कि इन्होंने काम कौन से किए हैं और किस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, और जो गलत काम होगा वो गलती होता है। और यहाँ पे मैं एक पीएमएवाई का सर मैं एक वहाँ पे बात करूँगा, नज़ीर अहमद वानी जो है उसकी इस वक्त लगभग 80 से एबो है और एक आँख से भी बेचारा वो नाबीना हो चुका है और टांगों से रह चुका है, तो उसका नंबर जो है इस वक्त मुझे लग रहा है शायद 57 नंबर है, कितना 55 या 57 नंबर पे उसका रखा है, और उसको भी कोई कमाने वाला नहीं है, लड़की उसकी अलहिदा है, वो भी एक लड़की उसके साथ में है और 2 बूढ़े हैं, वो भी ऐसी झोंपड़ी में बैठे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे मालमोशी के लिए भी जगह नहीं है, और उस झोंपड़ी में बैठे हैं और उसका भी 55 नंबर पे रखा है सर परसों। तो अफसोस से हम यही कहते हैं कि हमने जो आवाज़ उठानी है गरीबों के लिए और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग बेचारे हैं जो नहीं कमा सकते हैं उनको, उनके लिए गवर्नमेंट ने पहली जो प्रायोरिटी रखी है उन्हीं के लिए रखी है, तो ये उन्होंने ऐसा काम किया कि जो जिनके टीन के मकान हैं उनके लिए रखे हैं सर। तो बिल्कुल जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आते हैं और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आने चाहिए, जो लोगों के पास पहले से मकान नहीं है, कहीं ना कहीं पीएमएवाई उन्हीं के लिए थी, और भी बहुत स्कीमें हैं, सिर्फ एमजी नरेगा पीएमएवाई ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो पंचायत के लोगों को पता नहीं, ये 2-3 स्कीमें इनको पता है, इसके बारे में हमेशा ये हल्ला गुल्ला करते हैं, हमेशा इसके बारे में अवेयर रहते, कहीं ना कहीं ये 2-3 स्कीमों के बारे में अवेयर है, लेकिन बाकी उन स्कीमों के बारे में जो इनको बताया नहीं, अवेयर ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यूथ क्लब्स जो बनाए जा रहे हैं
यूथ क्लब से यही बेनिफिट होगा कि इनके घर तक लोग जाएंगे और इनको बताएंगे कि आपका कौन सी स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप क्या कुछ करना चाहते हो। और सरपंचेस को भी चाहिए कि उनको भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिखाए कि स्कीमों के बारे में काउंसलिंग करें उनकी, और उनको अच्छे से बताए कि उनको घर घर जाके जो है स्कीमों के बारे में बताना, क्योंकि वो भी अवेयर खुद नहीं है और वो अवेयरनेस क्या देंगे। तो इसीलिए आप सभी जो है देखते रहे द लोकल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि जो है मरम्मत के एरिया में हमने देखा है कि हमेशा से जो है वहाँ पे धांधलियाँ होती हैं और ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है। रोड पंचायत में आपने देख लिया होगा कि जैसे ही हम गए थे तो काम फिर वहाँ पे शुरू हुआ था।